हे गाइस, वेलकम बैक टू वीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जो है वो पेपल का जो आपका कैशबैक रहेगा उसे अमेजोन पे के बैलेंस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, आप पेटीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैंने कभी किया नहीं है दूसरी वेबसाइट से, क्योंकि वहां पे चार्जेस लगते हैं 3%, 5% या फिर 10% वो लोग जो है वो चार्जेस ले लेते हैं अगर आप वहां पे कन्वर्ट करते हो पेपल के कैशबैक को पेटीएम के इसमें। बट मैं आज आपको ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक नहीं है, बेसिकली एक वे है जहां से आप यूज करके क्या कर सकते हो, इजिली अपना पेपल का जो कैशबैक है उसे अमेजोन पे में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रोसेसिंग चार्जेस, विदाउट एनी कमीशन दिए उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को। ठीक है ना, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मैं आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ करके, बट आप ये चीज मोबाइल पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तो कहीं पे भी कर सकते हो, आपके हिसाब से यूज कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स है, 7-8 पेपल के अकाउंट्स में अभी कैशबैक पड़ी हुई है, तो सारे को मेरे को निकालने का है। 200-200 रुपए सब में है, 200-200 रुपए के अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स मिलूंगा, और एक ही अमेजोन का जो मेरा अकाउंट है मेन वाला अमेजोन पे का, उसमें मैं सारे रिडीम कर दूंगा। उसमें रिडीम करने के बाद क्या होगा, पूरा जो 200-200 रुपए 7 अकाउंट में है वो एक ही अकाउंट में चला जाएगा, वो पूरे अभी 1400 हो जाएंगे। फिर वो 1400 का मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लाइट बिल पे कर सकता हूँ, या फिर कुछ अमेजोन से लेना है तो वो ले सकता हूँ। तो इतने सारे अकाउंट्स में 200-200 रुपए कैसे आए वो मैं बताता हूँ। आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल दिए थे। यहाँ पे ये बेवकूफ के ऑफर आप देख सकते हो, 59 रुपीज में टी शर्ट मिल रहा है करके मैंने बताया था। बेवकूफ बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको उसके रेफर एंड अर्न और अनबॉक्सिंग करके दिखाई है बेवकूफ के क्लोथ्स की। और यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कहा था कि किस तरह से आप पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने कि पेपल से किस तरह से पेमेंट कर सकते हो बेवकूफ पे, और वहां पे क्लोथ जो है वो खरीदी कर सकते हो, खाली टी शर्ट सबको 59 रुपीज में मिल जाएंगे। तो ये दो वीडियो जरूर देखना, यहाँ पे आपका बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। ओयो का वीडियो भी देख लेना। ये जो ऑफर है ना, ये दोनों बेवकूफ वाली वो 30 जून तक चलेगी, खाली 30 जून के बाद आपको वो काम की नहीं है। बट ये वीडियो में मैं देख लेना आगे, क्योंकि ये वीडियो में मैं किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो बताने वाला, तो आपका उसका बेनिफिट हो जाएगा। और ओयो का वीडियो भी एक बार जरूर चेक कर लेना, बहुत सस्ते में ओयो के रूम्स मिल रहे हैं, वर्ल्ड कप चालू है इसलिए। और जोमेटो का भी बहुत अच्छे खासे ये वीडियोज है, पूरे 10-10 मिनट के मैंने बना लिए, जितने हो सके उतनी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर ली है। जोमेटो का भी सही है, वो बाप वाला जो चल रहा है आजकल। ठीक है ना, तो ये सारे वीडियोस आप चेक कर लेना एक बार। तो सबसे पहले मैं पेपल पे चला जाता हूँ, मेन चीज जो है आपको बतानी वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पेपल पे आने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना है, उसके बाद जो मेन चीज है वेबसाइट मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, उसका नाम है कॉम्पी फ्राई करके। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, ये देख सकते हो। इन दोनों की लिंक जो है पेपल की और ये वेबसाइट की मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये स्पेलिंग है वो वेबसाइट की, तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी ना, उसे क्लिक कर देना। ये दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेंशन लेने की कुछ चीज नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वाउचर्स खरीद कर सकते हो। पूरा जेन्युइन वेबसाइट है ये, मैंने बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। इससे पहले भी पेपल में बहुत सारे पेपल में मेरी कैशबैक पड़ी रहती थी, वो निकालने के लिए मैं इसे यूज करता था। क्योंकि पेपल का सीन क्या है पता है, वो बुक माई शो, डोमिनोज या फिर मोजो पिज्जा, ऐसे स्पेसिफिक जगहों पे ही उसे रिडीम कर सकते हो। बट यहाँ पे इसमें वाउचर्स खरीदी करके आप, वाउचर्स भी बहुत सारे हैं, ये देखो, उबर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बुक माई शो, मिंत्रा, मेक माई ट्री, बिग बाजार, बहुत सारे वाउचर्स हैं। जो भी वाउचर है वो ले लेना, ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ आपको अमेजोन का ही वाउचर लेना जरूरी है, फ्लिपकार्ट का भी ले सकते हो, चाहिए तो मिंत्रा का ले सकते हो, जो चाहिए वो ले लीजिए आप। तो यहाँ पे आपको पेपल में लॉग इन करना है, यहाँ पे कॉम्पीफ्राई में लॉग इन करना है, आपको साइन अप करना है, नया अकाउंट बनाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, साइन इन पे रजिस्टर करने के लिए भी बहुत ईजी है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना, साइन इन विद गूगल कर देना, या फिर फेसबुक के आईडी से कर दीजिए, या फिर रजिस्टर करते टाइम अपना ईमेल आईडी डाल के नया पासवर्ड लगा सकते हो। बट मेरा ऑलरेडी अकाउंट पड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो साइन इन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे गूगल पास से मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मेरे अकाउंट में साइन इन हो चुका हूँ, यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी शो कर रही है, मतलब मैं अभी यहाँ पे साइन इन हो गया हूँ। तो अभी कॉम्पीफ्राई में तो हो गए हम लोग साइन इन, अभी पेपल में भी मैं साइन इन कर लेता हूँ। जो मेरा अकाउंट है जिसमें मेरे 200 रुपए जो पड़े थे, जो कैशबैक आई थी पेपल में, तो यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर देते। तो यहाँ पे पेपल का आईडी और पासवर्ड डाल के मैं लॉग इन हो चुका हूँ इसमें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक ट्रांजेक्शन बेवकूफ पे हुआ था 109 रुपीज का। तो ये सब पुरानी बातें हैं, वो वीडियोस में मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। बट आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देना। पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो चीज दिखेगी वो होगा आपका पेपल का वाउचर। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफर्स में पेपल 200 रुपए दिखा रहा है। अगर सपोज आपके पास मोबाइल का ऐप है पेपल का, तो आपको पता नहीं है पेपल कहाँ पे दिखा रहा है आपका कैशबैक आने के बाद,
तो यहाँ पे चीज दो चीजें हैं, आप देख सकते हो पेपल बैलेंस करके, ये जो बैलेंस है 00 रुपए दिखा रहा है, यहाँ पे कभी भी कैशबैक नहीं दिखाती आपको। यहाँ पे आपने जो पैसा ऐड किया हुआ है, आपसे कहीं आपको कहीं से पैसा दूसरे अकाउंट से आया हुआ है, वो सब चीजें यहाँ पे दिखाती है। और अगर आपको कहीं से कैशबैक के वाउचर्स मिलते हैं पेपल के, तो यहाँ पे ऑफर्स के सेक्शन में ये दिखाई देता है। सपोज ये एम्प्टी होगा, इसका मतलब आपके पास वाउचर नहीं है। यहाँ पे मुझे 200 रुपए दिखा रहा है जो मुझे बेवकूफ की तरफ से आए थे। तो आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल का ऐप रहेगा ना, तो उसमें नीचे बॉटम में ना तीन टैब्स रहेंगे, उसमें एक ऑफर्स का टैब रहेगा। वो ऑफर के टैब पे अगर क्लिक करते हो तो आपको वहां पे भी 200 रुपए दिखाई देंगे। इसका मतलब आपको जो है 200 रुपए का कैशबैक आ चुका है। बस अभी यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अगर मैं सपोज वाउचर खरीदी करता हूँ ना, यहाँ पे कॉम्पी प्राइस से अगर मैं वाउचर खरीदी करता हूँ, 200 रुपए यहाँ से पे करता हूँ, तो यहाँ पे ये ऑफर्स का सेक्शन ही चला जाएगा, ये ऑफर्स का सेक्शन रहेगा ही नहीं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, जब भी हम लोग वाउचर खरीदी कर लेंगे तब। तो आते हैं कॉम्पीफ्राई पे, और यहाँ पे मुझे वाउचर खरीदी करना है तो नीचे आ जाता हूँ। अमेजोन का लेना है मुझे तो अमेजोन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है जहाँ पे आपको वाउचर चाहिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं, तीन जगह पे आपको वाउचर मिलेगी। पहली तो कॉम्पीफ्राई के वेबसाइट पे ही आपको वाउचर जो है, वाउचर कोड रहता है ना अमेजोन का, तो वाउचर कोड रहता है, वो आपको कॉम्पीफ्राई के वेबसाइट पे भी मिलेगा, खरीदी करने के बाद बोल रहा हूँ मैं। दूसरी बात, आपको मोबाइल पे भी वो लोग सेंड करेंगे, और तीसरी आपको आपके जीमेल आईडी पे भी सेंड करेंगे। तो आपको जहाँ पे भी चाहिए वहां से आप कोड ले सकते हो और अमेजोन में जाके उसे अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मेरे पास कितने पड़े हैं, 200 रुपए पड़े हैं पेपल में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाउचर 200 रुपए का सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज आपके पास 250 होंगे तो आप क्या करना, 200 और 50 दोनों दोनों अलग अलग करना। पहले 200 का वाउचर खरीदी कर लीजिए, बाद में 50 रुपए का वाउचर खरीदी कर लीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मेरा। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना आपका, जो भी ईमेल आईडी हो, और बाय बटन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों बाय बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा, जहाँ पे आपको बताएगा 200 रुपए का आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेपल से करना है मुझे 200 रुपए, दूसरे और कहीं से मत करना, फोन पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, मुझे सिर्फ पेपल से करना है, तो मैं पेपल पे क्लिक कर देता हूँ। तो पेपल अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मतलब कॉम्पीफ्राई से गिफ्ट वाउचर्स ले रहे हो पेपल से पेमेंट करके, तो आपको जो कैशबैक भी आएगा 50% कैशबैक अप टू ₹200, बट वो फर्स्ट टाइम करते वक्त ही। तो मैंने बहुत टाइम इससे पहले किया हुआ है, वाउचर्स लिए हुए हैं, तो मेरे लिए ये ऑफर नहीं है। तो पे ₹200 पे मुझे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे रुकिए थोड़ा, मुझे आपको चीज कुछ बतानी है, बहुत बड़ी चीज डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास अभी पेपल के 7 अकाउंट है, तो कॉम्पीफ्राई का मैंने एक अकाउंट बना लिया यहाँ पे। अभी मैं क्या करूंगा, अभी नॉर्मली यूजर्स क्या करेंगे, अभी 7 अकाउंट है तो कॉम्पीफ्राई का एक ही अकाउंट बनाएंगे, और क्या सोचेंगे, कॉम्पीफ्राई के एक अकाउंट में वाउचर्स खरीदी करते हैं यूजिंग दैट दोज 7 पेपल के अकाउंट्स। मतलब जो 7 अकाउंट्स आपके पेपल के पड़े हैं, उसको एक ही कॉम्पीफ्राई के अकाउंट में हम लोग लगा देंगे और वाउचर्स खरीदी कर लेंगे 200 200 रुपए के। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप कॉम्पीफ्राई से कोई एक पेपल का अकाउंट लिंक करते हो ना, तो हमेशा के लिए लिंक हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप दूसरा कोई पेपल का अकाउंट अभी सेम कॉम्पीफ्राई के अकाउंट से लिंक करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। तो सपोज अगर आपने पेपल के एक अकाउंट से कॉम्पीफ्राई के एक अकाउंट पे परचेस कर लिया, कोई गिफ्ट वाउचर जो है ले लिया, अभी बाद में आपका पेपल का दूसरा अकाउंट आपने ले लिया और सेम कॉम्पीफ्राई का अकाउंट पे ट्राई करोगे, तो वो नहीं होने वाली चीज, वो बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा सोल्यूशन क्या है, अभी आपके पास 7 पेपल के अकाउंट है, मतलब क्या 7 आपके पास मोबाइल नंबर थे, 7 आपके पास जीमेल आईडी थी, तो कॉम्पीफ्राई के भी 7 अकाउंट बना लीजिए, बहुत ईजी है। अगर 7 पेपल के बना सकते हो तो 7 कॉम्पीफ्राई के बनाने के लिए क्या इशू है। आपका जो पेपल का अकाउंट है सेम यूज करके कॉम्पीफ्राई का भी बना देना, मतलब पेपल का अकाउंट में जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज किया था उसे यूज करके कॉम्पीफ्राई का एक अकाउंट बना लेना। इसे साथ साथ जितने चाहिए उतने अकाउंट्स बना लीजिए ना, और जो पैसा आपका पड़ा हुआ है वो याद भी रहेगा आपको, मतलब पेपल का ये क्रेडेंशियल्स है तो कॉम्पीफ्राई का मेरा ये क्रेडेंशियल्स है, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, आप हमेशा उससे वाउचर्स ले सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज थी, जरूरी से याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एरर देगा। अगर सपोज आपने इसी कॉम्पीफ्राई के अकाउंट से अगर दूसरा पेपल का आगे जाके क्रेडेंशियल्स डालते हो, मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हो, तो बताएगा कि आपका जो है ये अकाउंट दूसरे पेपल के अकाउंट से लिंक्ड है, तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगा करके। तो यहाँ पे ₹200 पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, तो ये डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट कर लेगा पेपल के पेमेंट पेज पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन हो चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी हम लोगों ने लॉग इन किया था, इसलिए यहाँ पे कॉम्पीफ्राई पे डायरेक्टली ये वाला पेज आया है। बट सपोज अगर आपने ऑलरेडी लॉग इन नहीं करके रखा है तो आपको ये लॉग इन करने बोलेगा, तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप इजिली लॉग इन कर सकते हो। अभी यहाँ पे मेन चीज आप देख सकते हो, स्पेशल ऑफर ₹200 करके, ये जो मेरा वाउचर पड़ा हुआ है ना यहाँ पे पेपल का, वही यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। मतलब ₹200 यहाँ पे कट जाएंगे, उसी वाउचर में से मुझे मेरे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो पेपल से लिंक है उससे पैसा पे नहीं करना है, वो ये वाउचर ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएगा। सपोज आपको यहाँ पे वो बोलता है कि आपको आपका
जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लिंक किया है उसका सीवीवी डालना है, इसका मतलब है कि आपके पास वाउचर नहीं है। और एक चीज बताता हूँ, सपोज आपको जो है आपके पास 150 रुपए पड़े हुए हुए है पेपल के अकाउंट में, पेपल का वाउचर है 150 रुपए का आपका, बट कॉम्पीफ्राई पे 150 रुपए का आप रिडीम ही नहीं कर सकते। तो सिंपली क्या करना, 200 रुपए ही सिलेक्ट करना वहां से कॉम्पीफ्राई पे, यहाँ पे आओगे 150 रुपए आपका जो पेपल में कैशबैक रहेगा ना वो रिडीम हो जाएगा, और 50 रुपए आप डेबिट कार्ड से पे कर देना, मतलब 50 रुपए एक्स्ट्रा डाल देना, 150 रुपए आपके ऑफर में से रिडीम हो जाएगी, 200 रुपए का वाउचर आपको मिल जाएगा। इस तरह से कोई भी वाउचर आप खरीदी कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं 200 रुपए का वाउचर यहाँ पे खरीदी कर रहा हूँ। तो चलिए पे नाउ पे क्लिक करके हम लोग वाउचर खरीदी कर लेते हैं, तो ये 200 रुपए भी यहाँ से हट जाएगा, मुझे 200 रुपए का अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा। उसे हम लोग अमेजोन में जाके किस तरह से रिडीम करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। यहाँ पे नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, 200 रुपए का रिचार्ज इन प्रोग्रेस स्टेटस बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। तो सक्सेसफुल होने के बाद पेपल वॉलेट में आ जाता हूँ मैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए 200 रुपए हट गया अभी, मतलब 200 रुपए यहाँ से निकल गया है और 200 रुपए का पेमेंट यहाँ पे हो चुका है और मुझे वाउचर मिल चुका है। तो गेट वाउचर कोड पे क्लिक करना है हमें, गेट वाउचर कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है ओटीपी। तो ये बेसिकली ओटीपी कौन सा पूछ रहा है, आपके मोबाइल पे वो लोग एक ओटीपी भेज देंगे, एक नंबर रहता है बेसिकली कि आपके ये वाउचर कोड के लिए ये ओटीपी है, 3-4 डिजिट का रहता है, वो आपको एंटर करना है और गेट वाउचर कोड पे क्लिक करना है, तो आपको डायरेक्टली वाउचर जो है मिल जाएगा। या फिर सिंपली क्या करना, आपने जीमेल अकाउंट पे लॉगिन हो जाना, वहां पे भी वो लोग वाउचर आपको सेंड कर देते हैं अमेजोन पे का, तो वहां से भी आप उसे उठा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ओटीपी जो है मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है, तो मैं उसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। कभी कभी जीमेल पे वाउचर वो लोग सेंड नहीं करते, मेल नहीं करते, बट वो जो ओटीपी है वो मोबाइल पे तुरंत ही आ जाता है, 2-3 सेकंड्स में आपके आ जाता है। सपोज नेटवर्क इशू की वजह से ओटीपी नहीं आया, तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप ओटीपी वापस मंगवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओटीपी एंटर कर लेता हूँ मेरा, जो कि 9043 27, और गेट वाउचर कोड पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वाउचर मुझे मिल चुका है, 200 रुपए का वाउचर है, वाउचर कोड यहाँ पे उसने दिया हुआ है, तो ये अमेजोन का वाउचर मुझे मिल गया। तो इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। अभी इसे कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली अमेजोन के अकाउंट में चले जाना है मेरे। तो मेरे अमेजोन के अकाउंट में मैं चला जाता हूँ amazon.in करके, और चले जाते हैं अमेजोन के अकाउंट में। तो यही मेरा अमेजोन का अकाउंट है जिसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है, तो अमेजोन पे में चला जाता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे अमेजोन पे के अकाउंट में मेरे आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 719 रुपए पड़े हुए हैं और 200 रुपए ऐड हो जाएंगे, मतलब 919 रुपए यहाँ पे हो जाने चाहिए टोटल। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ऐड गिफ्ट कार्ड्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 451 दिखा रहा है, ये 451 अलग चीज है, मतलब क्या होता है यहाँ पे भी अमेजोन पे में जो आपका बैंक से ऐड करते हो वो पैसा अलग रहता है, और गिफ्ट कार्ड्स आपको अलग मिलते हैं इसलिए वो अलग मिलते हैं, इसलिए उधर अमाउंट अलग दिखा रही थी और इधर अमाउंट अलग दिखा रही है। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके जो कोड कॉपी किया था उसे पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद ऐड टू योर बैलेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 651 हो जाएगा बाद में, अभी 451 है तो 651 नॉर्मली होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड टू योर बैलेंस करके, और यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पे हो सकते देख सकते हो आप प्रोमो जो वाउचर कोड था वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और 651 मेरा बैलेंस बन चुका है। और मेन बैलेंस भी एक बार चेक कर लेते हैं अमेजोन पे में जाके, जो मेन बैलेंस है वो 919 हो चुका है, मतलब 200 रुपए सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गया मेरा जो मैंने वाउचर खरीदा था। तो अभी मैं क्या करूंगा, ऐसे बाकी जो अकाउंट्स मेरे पड़े हुए हैं ना उसमें से भी सारे वाउचर्स निकाल निकाल के यहाँ पे डाल दूंगा। एक अमेजोन के अकाउंट में अपने सारे वाउचर्स डाल दिए तो चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि अमेजोन के भी अलग अलग अकाउंट चाहिए, जैसे कि पेपल का अलग रहेगा तो कॉम्पीफ्राई का भी अलग अलग रहना चाहिए वो रूल है, बट अमेजोन का सेम अकाउंट रहेगा तो चल जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल मेरे और 1400 ऐड हो जाएंगे, 2-2500 हो जाएंगे, तो वो 2-2500 का मैं रिचार्ज कर लूंगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर लूंगा, या फिर अमेजोन से कुछ भी परचेस कर लूंगा। बहुत इजी है, जेन्युइन वेबसाइट है, जरूर यूज करना, बहुत दिनों से मैं कर रहा हूँ। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट में अगर मैं जाता हूँ ना, तो इससे पहले भी मैंने 200 रुपए किए थे, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200। तो ऐसे आप इजिली क्या कर सकते हो, पैसा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे गिफ्ट एंड क्रेडिट 651 अभी हो चुके हैं मेरे। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारे टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप के ग्रुप सारे ज्वाइन करना, वहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स मैं आपको देता रहता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।